Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nigeen and I hope you all are doing well. Today we will be talking about that what should you do when you have completed your bachelor degree in psychology. So let's begin. तो आपके पास जब आपने बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपके पास सबसे पहले यही सवाल होता है कि अब मैंने आगे क्या करना है और कौन सी फील्ड में जाना है। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं और फिर आके आपने उस फील्ड में डिग्री कौन सी हासिल करनी है। तो अब आपने BS साइकोलॉजी कर ली, उसके बाद आपके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो आप MS कर लें, MPhil कर लें या फिर ADP कर लें। MS stands for Master in Science, MPhil stands for Master of Philosophy and ADP stands for Advanced Diploma in Psychology. तो ये तीन चॉइसेस हैं आपके पास कि आपने कौन से डिग्री को अक्योर करना है। तो इसके बाद हम इनके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। MS और MPhil का ड्यूरेशन एक जैसा है, यानी कि 2 साल में आप ये अपनी MS की डिग्री किसी स्पेसिफिक फील्ड में जो है हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ADP आता है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन साइंस, उसका ड्यूरेशन 1 ईयर या 1.5 ईयर होता है, यानी कि आप 1 या 1.5 साल में आप ये डिप्लोमा करते हैं। उसके बाद इसके सिलेबस या इसके जो होते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, उसमें बात करते हैं कि MS है। MS में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि वो फील्ड के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर आपने क्लिनिकल में आपने MS करना है, यानी कि MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, तो आप क्लिनिकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि थेरेपी हो गए, साइको पैथोलॉजी ETC, और उसमें उसके बाद आपको रिसर्च कराई जाती है और उसके साथ साथ आपने इंटर्नशिप भी करनी होती है 2 साल के ड्यूरेशन में। उसके बाद MPhil आता है। MPhil और MS के सब्जेक्ट्स भी एक जैसे होते हैं, रिसर्च भी कराई जाती है, बट MPhil में आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं। उसके बाद ADP आ जाता है। ADP में भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वही सिलेबस पढ़ा रही होते हैं जो MS के लिए या MPhil के लिए होता है, बट इसमें आपकी रिसर्च नहीं होती, यानी कि आपके थीसिस का काम नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर आपने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें सबसे पहले बहुत जो अहम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो ऑफ़र कर रही हैं पाकिस्तान में इन सालों में डिग्री, वो उनमें एयर यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आ जाती है। उसके बाद लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज वोमेंस यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मेन कैंपस, उसमें भी MS क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि UMT लाहौर, उसमें पढ़ाई जाती है। उसके अलावा इस्लामाबाद की शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आप MS क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप MPhil आपने चूज़ किया, MPhil करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं MPhil साइकोलॉजी, बट यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आगे, नेशनल यूनिवर्सिटी कैद आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, कराची की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गई, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में भी आप लोग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी आपको प्रोवाइड किया जाती है फैसिलिटीज़। कैद आज़म यूनिवर्सिटी में भी आप MPhil साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ADP। ADP भी आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको आप कर सकते हैं। और अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में ADC करना है, तो उसका यहाँ पर मैंने एक पेपर पैटर्न मैं उसका, यानी कि आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं और आपको एक ईयर में क्या क्या आप लोग उसमें ADC यानी कि एडवांस्ड डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप क्या क्या कवर करते हैं। तो ये पेपर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि पेपर 1 में न्यूरो फिजियोलॉजी, साइकोडायग्नोसिस असेसमेंट, थेरेप्टिक इंटरवेंशन, साइको फार्माकोलॉजी, चाइल्ड डिवेलपमेंट, एडवांस रिसर्च मेथड्स, इंटर्नशिप और रिपोर्ट राइटिंग आपकी 7th इसमें पेपर में जाके आप करते हैं, और फिर आपका आता है प्रोजेक्ट रिसर्च का। तो ये था ADCP के बारे में, मतलब कि आप क्या 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 जो चीज़ें हैं वो ADCP में पढ़ते हैं, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिप्लोमा में पढ़ते हैं, और मैक्सिमम मोस्टली यही चीज़ें जो हैं आपके MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी इंक्लूड की जाती हैं।
तो ये था कि डीसीपी में यानी कि आप बीएस साइकोलॉजी के बाद क्या कर सकते हैं, एमएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, एमफिल साइकोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और बात और एमएस और एमफिल में डिफरेंस ये है कि ये इन दोनों की डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है कि एमएस में आप लोग रिसर्च भी कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, बट एमफिल में आप इंटर्नशिप में इंक्लूडेड, आपकी आपकी डिग्री में डिग्री में इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है, और डिप्लोमा की भी वही वर्थ है, बट उसमें यह है कि इंटर्नशिप आपकी रिसर्च नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर आपने एमएस क्लिनिकल की फील्ड में अगर एमएस करना है, क्लिनिकल की फील्ड में अगर जाना है, तो ज़्यादा प्रेफर एमएस ही किया जाता है कि आप एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करें, और क्योंकि उसकी डिग्री को वर्थ किया जाता है, लेकिन जो इसका डिप्लोमा है यानी कि एडीसीपी वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक साल में अपना डिप्लोमा करके एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। सो ये सब था कि आप लोगों ने बीएस के बाद क्या करना है, तो तब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और लेक्चर पर बात करें, लेक्चर कैरी करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो वेरी मच।